हेलो गाइस, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ओरियो मफिन बनाने की रेसिपी। गर्मा गर्म 5 मिनट में हम मफिन बना के रेडी करके खा सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स: ओरियो बिस्किट, बेकिंग पाउडर, मिल्क, हर्षी सिरप। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे जुवी के साथ। हम ओरियो बिस्किट को अलहदा कर लेंगे। अलहदा करके हम बिस्किट के अंदर बिटवीन में जो क्रीम होता है उसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे अलग से, सारा क्रीम, और ओरियो बिस्किट एक अलग से बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से सारे बिस्किट के क्रीम हमने रिमूव करके एक बोल में अलग से रख लेना है। और ये हमने जो सारे बिस्किट्स एक कटे अलग किए हैं, इसका पाउडर बना लेंगे मिक्सर जार में। ड्राई ग्राइंड करना है हमें, तो हमने पाउडर बना लिया है। और अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे बिस्किट के पाउडर में। और हमने जो अलहदा करके क्रीम रखा था बिस्किट का, वो भी क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मिल्क पोर करते जाएंगे और अच्छे से इसे मिक्स देंगे। आप शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा मफिन खाना पसंद करते हैं। तब हम ज़्यादा मीठा मफिन खाना पसंद नहीं करते हैं तो हमने इसमें शुगर पाउडर नहीं ऐड किया है। आप अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तब आप मफिन में शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि मफिन बैटर में। तो इस तरह से हम बैटर बना के रेडी कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे। लम्स फ्री बैटर होना चाहिए ये, तो हम इसे अच्छे से मिक्स देंगे। कट एंड फोल्ड मेथड से हम इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स दे देंगे। अच्छे से मिक्स देने के बाद अब बैटर बनके रेडी है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे सारे बैटर को। सारा बैटर हमने एक बोल में ट्रांसफ़र किया है और इसे टैप टैप कर लेंगे ताकि एयर बबल्स ना आए। तो चलिए, अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए हम इसे बेक कर लेंगे। ओवन में हमने इसे बेक किया है और देख सकते हैं आप लोग स्टिक कितनी क्लीन रिमूव हुई है, यानी कि हमारा मफिन बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बेक हो चुका है। तो अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे और देख सकते हैं आप लोग मफिन कितना सॉफ्ट, स्पॉन्जी, सो यमी लग रहा है। तो अब हम इस पे पोर कर लेंगे हर्षी सिरप। आप चाहे तो हर्षी सिरप का अल्टर आप हैं आप ना चॉकलेट भी मेल्ट करके इस पे पोर कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी यमी मफिन बनके रेडी है, चॉकलेट मफिन बनके रेडी है। तो अब हम इसे नोश फरमाएंगे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका मफिन किस तरह से बना है। तो चलिए, अब हम इसे गर्मा गर्म नोश फरमाएंगे। तो चलिए, आप लोग भी बनाइए और एंजॉय।